हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने सारे दा। उम्मीद करदा कि तुसी सारे बहुत वधिया होवोगे, सेफ होवोगे, सुरक्षित होवोगे। सारे नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। अज आपां जो क्लास लैके आए हाँ, अज अपनी क्लास है इंग्लिश दी, जिहड़ी कि आपां पहलां कर रहे सीगे, स्टेंस करे सीगे, उस तों बाद आपां टेंस कीते सीगे, सारे लाइन टू लाइन करे सीगे, ते उस तों बाद आपां वॉयस दी क्लास कीती सीगी। हुण आपां वॉयस तों अगला टॉपिक जिहड़ा हुंदा गा अपना रिलेटेड नरेशन, नरेशन नरेशन दी जो क्लास है उस नूं लैके आए हां, जिस नूं कहिंदे हन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अज आपां डायरेक्ट ते इनडायरेक्ट दी क्लास है जिहड़ी उह करांगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे विच मैं तुहानूं अज हो सकदा है कल्ले रूल ही करवा पावां, तां अज दी जिहड़ी क्लास है उह कल्ले रूल्स दे आधारित होएगी। रूल्स तुहानूं सारे दस्से जाणगे, ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਨ ਟੂ ਲੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ਨਸ टेंस दे विच किसी भी तरह की कोई कमी पेशी है जिहड़ी ओह नहीं रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ते बेटे अपने कोल एक रूल हुंदा है। पहले नंबर ते मैं तुहानूं दसदा, जदों भी कोई वाक शुरू हुंदा है तां वाक इस तरीके दे नाल चलदा है, इत्थे कोमा इनवर्टेड कोमे लगदे है, उस तों बाद इस तरह वाक चलदा है, फुल स्टॉप लगा के कोमा बंद हो जांदा है। जिहड़ी चीज़ तां बेटे आह हुंदी है इहनूं कहिंदे है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी, इत्थे जो चीज आएगी बेटिया नूं रिपोर्टिंग वर्ब कहिंदे आ। इत्थे जो चीज आएगी रिपोर्टिंग REPORTING रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है जी, स्पीच जो गल कही गई होएगी। ठीक है, तो इहदे विच की जो चीज बेटे यह हुंदी हैगी आ, इस जगह ते साडे कोले चार चीजा आंदियां जिस नूं असीं कहिंदे आ से आंदा बेटे, जां फिर सेज आएगा। ठीक है, दूजे नंबर ते से टू आएगा, जां फिर सेज टू आएगा। तां जदों भी आह आंदा से आंदा जां सेज आंदा है, तां से जां सेज नूं इह अपने कोले आएगा डायरेक्ट वाक दे विच। डायरेक्ट जदों साडे कोले नरेशन जिहड़ा दित्ता होएगा, जे जे से है तां बेटे उह से ही रहेगा, जे सेज है तां उह सेज ही रहेगा। ते जो अपने कोले रिपोर्टिंग स्पीच होएगी, जेकर यह असैरिटी वाक होएगा, एड असैरिटी वाक होएगा, यानी कि जे यह साधारण वाक होएगा, ठीक है, तो इहदे विच की है जदों असीं कोमा जां इनवर्टेड कोमे नूं हटाने हां तां उहदी जगह ते लगेगा दैट। ते जिहड़ी रिपोर्टिंग स्पीच होएगी, रिपोर्टिंग स्पीच दे विच जिहड़ा सब्जेक्ट है उह चेंज हो सकता है। ठीक है, बट ठीक है, मतलब कि अदर जो वाक होएगा, ठीक है, वो नो चेंज होएगा। ठीक है, क्योंकि जेड़ा से ते सेज दी गल कीती जांदी है बेटे, इहदे विच सानूं कई वाक हुंदे आ जिहड़े जां तां सच्चाई वाले होणगे जां फिर प्रेजेंट दे विच गल कीती जांदी हुंदी है, तां इस वाक दे विच असीं सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट नूं चेंज कर सकदे आ, बाकी किसे भी चीज नूं चेंज नहीं करना। सारा वाक जे प्रेजेंट इनडेफिनेट दे विच हैगा तां ओह प्रेजेंट इनडेफिनेट दे विच ही रह जांदा है। ठीक है, जे साडे कोले बैठे सेज से टू आंदा तां इस नूं असीं चेंज करना हुंदा टेल दे विच, जे सेज टू आंदा तां इस नूं असीं चेंज करना हुंदा टेल्स दे विच। कोमा इनवर्टेड कोमे आ बेटे, जदों इहनूं हटाने आ तां इहनूं इत्थे लगदा हैगा ते दैट लग जाएगा। ठीक है, तां क्योंकि इह वाक है जिहड़े इह प्रेजेंट वाक दी गल करदे आ, रिपोर्टिंग वर्ब दा प्रेजेंट वाक दी गल करदे आ, तां मतलब कि इहदी जिहड़ी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच है नो चेंज होएगी उह। ठीक है, मैं गांह जाके तुहानूं दस्सूंगा भी इह किस तरीके दे नाल होएगा, रूल है जिहड़ा इह किस तरीके दे नाल फॉलो
किया जाएगा, तो डिटेल दे विच बकायदा समझाया जाएगा। जेकर बेटे डायरेक्ट सब जेड़ा अपने को डायरेक्ट वाक होगा, डायरेक्ट वाक दे विच जेकर अज साडे कोले आंदा सैड जां फिर सैड टू, जेकर सैड है बेटे तो यह सैड का सैड ही रह जाएगा, जेड़ा सैड टू है बेटे इस नूं असीं चेंज कर दांगे टोल्ड दे विच, कोमा इनवर्टेड कोमे नूं जेकर बेटे हटावांगे तो इस नूं असीं चेंज करांगे दैट दे विच, ते इधरले पासे एवरीथिंग 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 इज चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंज्ड। मैं एक सिंपल शब्द टेंस वाक दे विच ही खत्म करता एवरीथिंग इज चेंज। जेकर बेटे साडे कोले वाक है जिहड़े ओह सैड वाला आएगा, सैड टू वाला आएगा, जेकर वाक सैड रिपोर्टिंग वर्ब दे विच सैड लग्या होएगा तो वह सैड रह जाएगा, जेकर रिपोर्टिंग वर्ब दे विच सैड टू लग्या होया तो उसनू असी टोल्ड दे विच चेंज कर दांगे, कोमा इनवर्टेड कोमे हटावांगे, असरटिव वाक होएगा तो दैट लग जाएगा, तो इधरले पासे हर एक चीज है जिहड़ी ओह चेंज होएगी। हर एक चीज चेंज होने का मतलब यही है बेटे कि सानू जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच दे विच जो वाक दिता होएगा उन्दे विच पहला सब्जेक्ट दिता होएगा, सब्जेक्ट तो बाद उन्होंने हैल्पिंग वर्ब दिता होएगा, हैल्पिंग वर्ब तो बाद उन्होंने वर्ब दिता होएगा, वर्ब तो बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट दिता होएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बाद हो सकता उन्होंने कुछ सानू कुछ वर्ड भी दिते हो सकते हैं जेडे आप मतलब कि जेडे डायरेक्ट ते इनडायरेक्ट है उन्होंने रूल के अनुसार आप चेंज करांगे। तो फर्स्ट नंबर से अपने को आही रूल समझने वाला हुंदा भी जे साडे को वाक दे विच से आंदा है, सेज टू आंदा है, तो जेड़ा से है से नूं असीं से ही रखांगे, जेड़ा सेज टू है उस नूं असीं टेल्स दे विच चेंज कर दांगे, तो जेड़ा कोमा इनवर्टेड कोमे हटावांगे उनकी जगह दे उत्ते दैट दी वरतों होएगी, ते जिहड़ी रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच दे विच सब्जेक्ट जां ऑब्जेक्ट ही चेंज होणगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होएगा। पर जिहड़ा सैड है सैड आवे जां सैड टू आवे उस वाक दे विच सैड सैड ही रहेगा, सैड टू दी जगह ते टोल्ड लगेगा, कोमा इनवर्टेड कोमे हटावांगे तां दैट लगेगा, ते रिपोर्टिंग स्पीच दे विच एवरीथिंग इज चेंजेबल होएगी, हर एक चीज है जिहड़ी ओह चेंज होएगी। तां आपां वेखदे आं बेटे कि जिहड़ा वाक होएगा वाक किस तरीके दे नाल आएगा। फर्स्ट नंबर ते आपां कहने आं बई ही सेज टू मी कोमा इनवर्टेड कोमे शुरू, उसने मैनू कहा, इस तरीके दे नाल वाक आएगा। तो मैं तुहानू दसदा भी किहड़ी चीज किस तरीके दे नाल चेंज होएगी। बेटा जी जेकर अपने कोले इत्थे आवे फर्स्ट परसन, फर्स्ट परसन, फर्स्ट परसन की हुंदे है, फर्स्ट परसन हुंदा है आई ते वी, ठीक है जी, फर्स्ट परसन आई ते वी हुंदे है बेटे। जेहड़े फर्स्ट परसन हुंदे है फर्स्ट परसन हमेशा ही सब्जेक्ट नूं देख के चेंज हुंदे है, फर्स्ट परसन आई ते वी हुंदे है राजे, ए हमेशा ही सब्जेक्ट नूं देख के चेंज हुंदे है। जिवें आई है जेहड़ा जेहड़ा आई है वह जदों सब्जेक्ट ही नूं वेखेगा तां वह कोमा इनवर्टेड कोमे जदों हटा दांगे आपां इत्थे दैट लगा दांगे तां आई ही नूं वेखेगा तां वह इधरले पासे ही बन जाएगा, ठीक है। जदों वी है जेहड़ा वी जदों ही नूं वेखेगा तां वह इधरले पासे दे बन जाएगा, ठीक है जी। तां इस तरीके दे नाल इह चेंज हुंदे आ। जेकर यही फर्स्ट परसन है जिहड़े अपने कोले आ सारा वाक लिखा जावे ते इधरले पासे ऑब्जेक्ट दे तौर ते आवे, ऑब्जेक्ट दे तौर ते आपां नूं पता भी आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट दे तौर ते आएगा मी, ठीक है, जां फिर अस, ठीक है, तां उदों जिहड़ा मी हैगा वह हिम दे अकॉर्डिंग चेंज होएगा ते वह बनेगा हिज, ठीक है। जे इत्थे शी लग्या होएगा तां अपने कोले इत्थे शी बन जाएगा, दे वी दा दे ही बनेगा, ठीक है। जदों मी है जिहड़ा वह शी नूं वेखेगा तां वह बनेगा हर, ठीक है, इस तरीके दे नाल इह बदलणगे। तां जिहड़े सेज टू वाले वाक हुंदे आ, सेज टू वाले जिहड़े वाक हुंदे आ बेटे इह प्रेजेंट इंडेफिनेट दे विच गल कीती जांदी है, इहदे विच असीं लिखांगे कि जिहड़ा रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब दा टेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब दा जिहड़ा टेंस है बेटे इह कदे भी चेंज नहीं हुंदा, रिपोर्टिंग वर्ब दा टेंस कदे भी चेंज
नहीं हुंदा। जिहड़ा रिपोर्टिंग वर्ब है राजे, रिपोर्टिंग वर्ब दा जिहड़ा टेंस है उस नूं कदे भी चेंज नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब दे विच रिपोर्टिंग जिहड़ा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब दे विच जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस ही चुक्या हैगा बई जिहड़ा से है, ठीक है, से है जिहड़ा ओह से ही रहिंदा है। जिहड़ा सेज टू है उस नूं असीं टेंस दे विच चेंज कर दिंदे हां। जिहड़ा सैड है, ठीक है, सैड है जिहड़ा ओह सैड ही रहिंदा है। जिहड़ा सैड टू है उस नूं असीं टोल्ड दे विच चेंज कर दिंदे हुंदे हां। रिपोर्टिंग वर्ब दे विच जेकर प्रेजेंट टेंस आ जाए, जेकर रिपोर्टिंग वर्ब दे विच जेकर प्रेजेंट टेंस आंदा है जां फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर टेंस आंदा है, मैं तुहानूं इत्थे रूल लिख दिंदा हैगा। जिहड़ा इह रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब दे विच बैठे जेकर साडे कोल प्रेजेंट टेंस आ जाए, प्रेजेंट टेंस आवे, जां फिर साडे कोल फ्यूचर टेंस आवे। प्रेजेंट टेंस आवे जिवें इहदे विच प्रेजेंट टेंस आया होया, फ्यूचर टेंस यानी कि इहदे विच विल ते शैल लग जाए तां उस तों बाद की हुंदा है बेटे, कोमा इनवर्टेड, कोमे हटाउण तों बाद तां दैट लग जाएगा, ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमे हटावांगे तां दैट लग जाएगा। पर जिहड़ी रिपोर्टिंग स्पीच है उस विच कोई भी परिवर्तन नहीं करना, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच दे विच असीं कोई भी परिवर्तन है जिहड़ा ओह नहीं करना हुंदा, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दसदा नैक्सट रूल, आपने बोले की है ही सैड, कोमा इनवर्टेड कोमे शुरू, तो इस तो बाद इत्थे वाक होएगा, इत्थे की होएगा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो जिहड़ी रिपोर्टिंग स्पीच होएगी बेटे, जेकर रिपोर्टिंग स्पीच दे विच यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई हैबिट आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, तो इस स्थिति दे विच जिहड़ा टेंस हुंदा है नो चेंज हुंदा है, ठीक है, मतलब कि असीं टेंस है जिहड़ा उस नूं चेंज नहीं करना। जेकर वाक दे विच किसी भी तरह की कोई सच्चाई आउंदी है जां कोई आदत वगैरह आउंदी है जां फिर किसी तथ्य नूं दर्शाया जांदा है, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੂਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈ ਆਵੇ ਤੇ ਵੂਈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਵੂਈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਜੇ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਵੂਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੂਈ ਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੂਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਕੋਮਾ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਤੇ ਯੂਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਤੇ ਯੂਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ, ਯੂ ਜਦੋਂ ਹਿਮ ਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ, ਯੂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ
तो यह बन जाएगा शी। यू जदों दैम नू वेखेगा तो यह बन जाएगा दे। यू जदों इट नू वेखेगा तो यह बन जाएगा इट। इस तरीके दे नाल मतलब कि यह जिहड़े हुंदे आ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जिहड़ा यूअर है, यूअर कदे कल्ला शब्द नहीं आता, यूअर ब्रदर आएगा, यूअर ब्रदर आएगा, ठीक है, यूअर सिस्टर आएगा, ठीक है, यूअर फादर आएगा, ठीक है, जदों भी इस तरीके दे नाल आएगा, क्योंकि यूअर कदे कल्ला नहीं आएगा, जिहड़ा यूअर है, यूअर ब्रदर, जिहड़ा यूअर ब्रदर है, यूअर ब्रदर जदों हिम नू वेखूगा तो वह की बन जाएगा हिज ब्रदर, ठीक है। यूअर सिस्टर जदों हिम नू वेखेगी तो वह हिज सिस्टर बन जाएगी, ठीक है। यूअर ब्रदर जदों हर नू वेखेगा तो वह बनेगा हर ब्रदर। यूअर सिस्टर जदों हर नू वेखेगी तो वह बनेगी हर सिस्टर, ठीक है। योर फादर जदों हिम नू वेखेगा तो वह बनेगा हिज फादर। इस तरीके दे नाल बेटा यह चेंज होंदे है, जदों योर फादर हर नू वेखेगा तो वह बनेगा हर फादर। इस तरीके दे नाल सैकंड परसन चेंज होंदे हैगे आ। हुण मैं तुहानू दसदा भी थर्ड परसन है जिहड़े वह किस तरीके नाल चेंज होंदे आ। अपने को वाक आ जाता है ही सैड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमे शुरू, तो इन आप चेंज कर देंगे ही टोल्ड मी कोमा इनवर्टेड कोमे हटे दैट। तो उस तो बाद अपने को आते हैं बेटे थर्ड परसन ही शी इट, इन्हों कहते हैं थर्ड परसन। तो जेडे थर्ड परसन होंगे बेटे यह नो चेंज होंगे है, ठीक है, थर्ड परसन नो चेंज होंगे है, थर्ड परसन कदे भी चेंज नहीं किया जाता। तो यही इनका मेन रूल सीगा भी केड़ा जेड़ी चीज हैगी है वह किस तरीके दे नाल मतलब कि चेंज की जाती है। हुण मैं तुहानू दसदा बई जिहड़ा यह नरेशन होंगे है यह नरेशन किवें किवें चेंज होंगे है, ठीक है। पहले नंबर से तो आप गल करते हैं जो अपने को दिता होगा ही सेज टू हिम कोमा इनवर्टेड कोमे शुरू, फिर जो भी बेटे इस तरह का वाक होगा उदो अपने को इतने की होगी जां तां यूनिवर्सल ट्रूथ होगी जां फिर कोई हैबिट होगी जां फिर कोई फैक्ट होगा। पंजाबी दे विच गल करिए तां अपने को एक सच्चाई वाला वाक होएगा, ठीक है। तो जिहड़ी यह यूनिवर्सल ट्रूथ होंदी है जदों भी अपने कोले सेज टू वाला वाक आएगा इहनू असीं चेंज करांगे ही टेल्स हिम दैट, ठीक है। तो इधरले पासे नो चेंज रहेगी, ठीक है। तो इस पासे कोई भी चेंज है जिहड़ी वह आपां नहीं करनी, इहनू प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आउंदा तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस दे विच ही रखना है। तो अपने को रूल बनता है भी असं चेंज करनी कितने है जो साडे को ही सैड आवे, ठीक है, होगा। तो इधरले पास की करेंगे आप एवरीथिंग चेंज करेंगे, हर एक चीज है जी उस रिपोर्टिंग स्पीच है जी उस हर एक चीज है जी चेंज करेंगे। तो इन कुछ इंपोर्टेंट शब्द होंगे है बेटे जेडे मतलब कि अपने को नरेशन दे चेंज होंगे है वह शब्द है जेडे वह मैं तुम लिखवाना गा कि शब्द होंगे है वह शब्द होंगे बेटे जिमें अपने को जी रिपोर्टिंग स्पीच होगी रिपोर्टिंग स्पीच दे विच अपने को बहुत सारे शब्द है जेडे वह अपने को किसी भी टेंस के लास्ट के आया करेंगे जिमें आप कहोंगे नाउ नाउ डायरेक्ट दे विच आएगा, ठीक है। जदों इन आप इनडायरैक्ट दे विच चेंज करांगे तां उदों इह बन जाएगा दैन, ठीक है। जिवें अपने कोले दिस आएगा तां इह बन जाएगा दैट, जे साडे कोले दीज आएगा तां इह बन जाएगा दोज,
ठीक है, जिवें साडे कोले हेयर आएगा तां इह बन जाएगा देयर, जे साडे कोले एगो आएगा तां इह बन जाएगा बिफोर, जे साडे कोले टूडे आएगा लास्ट दे विच तां उह बन जाएगा दैट डे। ठीक है, टूडे आएगा तां उह बन जाएगा दैट डे, जेकर साडे कोले टुमारो आएगा टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे हुंदा है जिहड़ा बीत चुकिया कल हुंदा है उहनूं कहिंदे आ द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, लास्ट नाइट तां दा बन जाएगा क्योंकि लास्ट नाइट जो पिछे बीत चुकी नाइट है तां उहनूं कहांगे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। जे नेक्स्ट मंथ आंदा है तां इह अगला मंथ होएगा तां आपां बन जाएगा द फॉलोइंग मंथ। इस तरीके दे नाल बेटा इह मतलब कि कुछ शब्द होणगे, इंपोर्टेंट शब्द होणगे जिहड़े वाक दे विच अपने कोले आणगे। हुण मैं तुहानूं दसदा कि इह जिहड़े डायरैक्ट इनडायरैक्ट दे विच अपने कोले जदों वाक आएगा रिपोर्टिंग वर्ब दे विच सैड वाला जां सैड टू वाला, तां रिपोर्टिंग स्पीच दे विच केड़ा टेंस किवें चेंज होएगा। ठीक है, तां उहदे विच की है जेकर साडे कोले रिपोर्टिंग वर्ब दे विच सैड टू आएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमे हटणगे, इहनां दी जगह ते दैट लगेगा, जिहड़ी रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच है उस नूं मैं तुहानूं दसदा केड़ा टेंस है जिहड़ा ओह किस तरीके दे नाल चेंज होएगा। तां इह वेखो जेकर बेटे साडे कोले आएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट तां प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जे सानूं दित्ता होएगा तां इहनूं असीं चेंज करांगे पास्ट इन डेफिनेट दे विच, यानी कि प्रेजेंट इन डेफिनेट दे विच सानू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दित्ती होएगी, असी जदों रिपोर्टिंग स्पीच दे विच इनडायरेक्ट वाक बनावांगे तां उदों इस नूं वर्ब दी सेकंड फॉर्म कर दांगे। ठीक है, दूसरे नंबर दे जेकर साडे कोले रिपोर्टिंग स्पीच दे विच प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाक आएगा तां उस नूं असीं चेंज करांगे, जदों असीं इनडायरेक्ट बनावांगे उस नूं असीं कर दांगे पास्ट कंटीन्यूअस दे विच। ठीक है, यानी कि जे प्रेजेंट कंटीन्यूअस आंदा तां इहदे विच सानूं उसने इज एम आर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिता होएगा, असीं इहनूं चेंज कर दांगे वाज वर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दे विच। थर्ड रूल है जिहड़ा उस दे विच सानूं आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जदों आएगा तां उस नूं असीं इनडायरेक्ट बनाउण लगे आं उस नूं असीं कर दांगे पास्ट परफेक्ट दे विच, पास्ट परफेक्ट दे विच। प्रेजेंट परफेक्ट दा जिहड़ा रूल हुंदा बेटे उहदे विच लगदा साडे कोले हैज हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, जदों असीं पास्ट परफेक्ट दे विच चेंज करांगे तां उदों असीं लगावांगे हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, जिहड़ा चौथा रूल है उस दे विच आएगा साडे कोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच सानूं दित्ता होएगा उसने हैज बीन, ठीक है, ते हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिता होएगा, जदों आपां बेटे इहनूं चेंज करांगे तां इहनूं असीं चेंज करांगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच। तां पास्ट परफेक्ट दा रूल हुंदा हैगा
had been plus verb the first form plus ing। इस तरीके दे नाल बेटा ये रूल है जिहड़े वो चेंज होणगे। दो रूल होर रह जांदे आ जिहड़े इहदे नाल संबंधित होंदे आ, ओह मैं तुहानू करवा दिंदा। उस तों बाद जो इहनां दीआं उदाहरण है ओह तुहानू नैक्सट क्लास दे विच करवाईआं जाणगीआं इक इक करके। उस तों बाद फिफ्थ रूल है बेटे, फिफ्थ रूल दे विच इह है वी सानू जेकर डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच दे विच पास्ट इनडेफिनिट वाक आ जाए तां इस नूं असीं पास्ट परफेक्ट दे विच चेंज करांगे। यानी कि सानू रिपोर्टिंग स्पीच है जिहड़ी उस दे वाक दे विच सानू दित्ता होएगा वर्ब दी सैकंड फॉर्म दित्ती होएगी। वर्ब दी सैकंड फॉर्म नूं असीं हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे विच चेंज कर दांगे। ऐसे तरीके दे नाल बेटे लास्ट रूल है जेकर साडे कोले पास्ट कंटीन्यूअस वाक आवेगा तां इहदे विच सानू दित्ता होएगा उसने वाज वर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जदों इस नूं असीं इनडायरेक्ट स्पीच दे विच चेंज करांगे तां उदों इह बन जाएगा बेटे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच असीं इहनूं चेंज करांगे हैड बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दे विच। तां इस तरीके दे नाल बेटा इह रूल है जिहड़े उह चेंज होणे आ। ठीक है, यह रूल्स सीगे नरेशन दे। आज दी क्लास दे विच तुसीं यह नरेशन दे रूल्स है जिहड़े उस नूं मतलब कि याद करो। कल जदों नैक्सट क्लास बनावांगे तां उदों एक एक रूल लवांगे, जिवें प्रेजेंट इनडेफिनिट लवांगे, उस नूं पास्ट इनडेफिनिट दे विच चेंज करन दीआं तुहानूं दो जां तीन उदाहरणां दित्तियां जाणगीआं। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस लवांगे, उस नूं पास्ट कंटीन्यूअस दे विच चेंज करके दो तीन उदाहरणां तुहानूं दित्तियां जाणगीआं। तां उम्मीद करदा कि तुहानूं मेरी इह क्लास अज दी पसंद आई होवेगी। जेकर तुहानूं मेरी अज दी क्लास इह पसंद आई है तां प्लीज मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ते जुड़े रहो अपनी नवीं क्लास नरेशन दे नाल। कंटीन्यूअस मतलब कि अज जिहड़ी इह क्लास शुरू हुई है इस दी हर एक टॉपिक इस दे हर एक मतलब कि जो रूल्स है उस नूं हुण कंटिन्यू है जिहड़े उह तुहानूं लगातार डेली नवीं क्लास है जिहड़ी उह प्रोवाइड करवाई जाएगी। अज लई इन्ना ही। विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। सेफ रहो, सुरक्षित रहो। ओके।